Absolutely magnificent. Tony finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. वहीं जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जिला बार एसोसिएशन के तत्वावधान में फाग महोत्सव की रंगीन छटा बिखरी तो पूरा अदालत परिसर हंसी की फुलझड़ी और ठाकों के गोलों से रंगीन हो गया। कृष्णगंज अनासागर विकास समिति के तत्वावधान में बुधवार को फाग महोत्सव बड़े धूमधाम से के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कृष्णगंज अनासागर विकास समिति के तत्वावधान में बुधवार को फाग महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समिति की महिलाओं ने एक दूसरे के गालों पर गुलाल मल कर होली की शुभकामनाएं बांटी। कार्यक्रम में समिति पदाधिकारियों द्वारा महिलाओं के लिए सलाद, मेहंदी प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर रेस सहित अन्य पारंपरिक खेल कराए गए, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फाग महोत्सव में रतन देवी शर्मा, मीनू डिडवानिया, इंदु राठी, गीता सोमानी, राजकुमारी वैष्णव, पुष्पा खंडेलवाल सहित कई पदाधिकारी और सदस्याएं मौजूद थी। समिति अध्यक्ष राकेश डिडवानिया ने महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया की प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें जग भरो प्रतियोगिता, पार्सल प्रतियोगिता, चेयर रेस के साथ साथ में कई महिलाओं के कार्यक्रम हुए
और विशेष इस अवसर पर महिलाओं द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया, जो फूलों से होली खेली गई और एक हास्य कवि रास का भी यहाँ पर आयोजन किया गया। इसी क्रम में समिति द्वारा कल प्रातः 8 से 10 बजे तक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, पुरुष वर्ग, बालक बालिकाएं एवं जो शहीद के क्षेत्र के वरिष्ठ जन है उनका भी यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा। बुधवार को सिद्धेश्वर भक्त मंडल की ओर से पुष्कर के यज्ञ घाट से सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर राम भक्त हनुमान का नैनाभिराम श्रृंगार कर भक्त मंडली ने हनुमान जी के समक्ष सुमधुर फाग भजनों की प्रस्तुति दी और एक दूसरे के गुलाल अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुष्कर में होली महोत्सव के अंतर्गत पारंपरिक राजस्थानी गैर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल की थाप पर देशी विदेशी पर्यटक जमकर थिरके। इस मौके पर राजस्थानी संस्कृति को साकार करती एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। विदेशी पर्यटकों ने जिस तरह नाच में सहयोग दिया और समा बांधा, उससे लगता ही नहीं था कि यह विदेशी मेहमान अपने आप को पराया महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि हर वर्ष होली के 7 दिन पूर्व से ही गैर नृत्य के आयोजन शुरू हो जाते हैं, जिसमें भाग लेने देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक पुष्कर पहुँचते हैं। फाइसागर रोड से शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होली के अवसर पर फाग महोत्सव मनाया गया। महोत्सव के अंतर्गत राधा कृष्ण का रूप धरे बच्चों ने फूलों से होली खेली और एक दूसरे के गाल पर गुलाल का तिलक लगाकर सूखी होली खेली और धुलंडी होली पर सूखी होली खेलने और पानी बचाने का संदेश दिया। संस्था के संस्थापक राकेश शर्मा और मीनाक्षी सेन ने सभी बच्चों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी और सभ्य तरीके से होली खेलने का संदेश दिया। राधा कृष्ण के साथ रंगोत्सव मनाया है। यहाँ पर हमने जो है ब्रज होली खेली। ब्रज होली के अंतर्गत हमने फूलों से होली खेली, एक दूसरे पर हमने फूल बरसाए और साथ ही बच्चों ने सिर्फ जो है आज सूखी होली खेलने का जो है निश्चय किया और बच्चों ने भी यही अपील की है कि हम सबको सिर्फ गुलाल का टीका लगा के सूखी होली खेलनी चाहिए और सूखी होली खेलकर जो है हम दूसरों को सबसे ज़्यादा ये बताएं कि हम पानी की बचत कर सकते हैं, पानी जो कि एक अमूल्य चीज़ है। हमने यहाँ इस तरह से होली बनाई है, हमने सिर्फ सूखे रंग से होली खेली है, पानी की बचत की, हमें पानी से होली नहीं खेलनी।